दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कांगड़ा इंटरनेशनल स्कूल शाहपुर। सिविल अस्पताल ज्वाली में राज्य स्वास्थ्य समिति ब्लॉक नगरोटा सूर्या के अनुबंध कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उनकी मांगे न पूरी होने पर आज सांकेतिक हड़ताल की। डॉक्टर शालिनी शर्मा ने कहा कि सरकार ने हमारे लिए कोई भी नीति नहीं बनाई है। हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध संघ के कर्मचारियों ने सरकार को 26 जनवरी तक रेगुलर स्केल की मांग को पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसमें स्थायी नीति बनाने की अधिसूचना जारी करने की मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं की। नमस्कार सर। एक्चुअली सर, हमने जिसे आपको विदित है आपके माध्यम से हमने गवर्नमेंट को बताया था कि 27 से लेके 1 फेब तक हमारी जो है वो ब्लैक रिबन लगा के हमने ये अपना रोष प्रकट किया था गवर्नमेंट के सामने, और हमें पूरा अपने सीएम साहब, यशस्वी सीएम साहब पर पूरा भरोसा था कि सर हमारी बात सुनेंगे और हमारे लिए कुछ उचित कदम उठाएंगे। पर कहीं कारणवश अगर मतलब ये काम नहीं हुआ है तो हमें ये जो है ये अपनी स्ट्राइक, जैसे कि आपको विदित था कि हम ये पेन डाउन स्ट्राइक 2 फेब को कर रहे हैं, तो सर ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है सांकेतिक स्ट्राइक थी सर ये। और सर इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई परमानेंट पॉलिसी फ्रेम नहीं करती है सर, और तो सर इसके बाद फिर हमें ये जो अपना संघर्ष है वो आगे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर सर अभी भी हमें बहुत अपने सीएम साहब और एचएम साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि हमारी ये जो हमारा संघर्ष है वो इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और यशस्वी सीएम साहब हमारे कोई ठीक अच्छा संज्ञान लेंगे, हमें हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे जिससे हमारा जो हमारे 1700 जो कर्मी हैं एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं उनका अच्छा हो सके। सर आप देखो कि कोरोना काल में और अभी तक भी जब ओमिक्रोन चला हुआ है, हमारे जो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं वो हर फील्ड में, अगर वैक्सीनेशन हो या टेस्टिंग हो, हर ये जो फील्ड है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इन्फेक्शन में रोज़ इन्फेक्शन फेस कर रहे हैं। 23 साल हो गए एनएचएम को, एनएचएम में लगी हुई जो भी हमारे साथी हैं आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी सीएम साहब, एचएम साहब हमारे मांगों को जो है वो पूरा करेंगे, और हमें उनके साथ पूरी उम्मीदें हैं सर कि हमारा काम अवश्य होगा सर। वहीं दूसरी ओर नादौन अस्पताल में कार्यरत एनएचएम कर्मियों ने अपनी मांगों के संबंध में काम छोड़ हड़ताल आरंभ कर दी है। संगठन के नादौन इकाई अध्यक्ष हर्ष शर्मा की अगुवाई में कर्मियों ने बुधवार को अपना काम छोड़कर नादौन अस्पताल परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बोलना चाहते हैं, हमारे सारे कर्मचारी टीवी प्रोग्राम में, लेप्रसी प्रोग्राम में और आरबीएस के में सेवाएं दे रहे हैं, ये सारे एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर फंडेड स्कीम के अंदर अलग अलग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, और मिनिमम बिल्कुल जो हमारा पे है वो बिल्कुल मिनिमम है, जिससे हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो ताकि हम अपने बच्चों का और सबका अपनी मुख्य धारा में आ सकें, ताकि हम अपने जो हैं हम इक्वल पे और इक्वल वर्क भी, हमारा ये है कि हम जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से हमें उसका मेहनताना भी मिलना चाहिए। आपका जो ये प्रदर्शन है वो किन मांगों को लेकर है आज? सर ये जो 23 वर्षों से पिछले 23 वर्षों से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई है। तो सर ये बस एक ही मांग है कि सरकार इनके लिए स्थायी नीति बनाए। तो आज उसी उपलक्ष्य में काम छोड़ो आंदोलन चला हुआ है। अगर आज 3 बजे तक सरकार जो हमारी राज्य की कार्यकारिणी है उसको बातचीत के लिए बुलाती है तो ये काम छोड़ो आंदोलन आज ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं बुलाती है तो जब तक हमारी जो राज्य की गवर्निंग बॉडी है वो हमें बोलेगी तब तक ये काम छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा। कितने दिनों से आप हड़ताल पर हैं? सर पिछले 8 दिन से हम काले बिल्ले लगाकर रोज़ काम करते थे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी मतलब हमारी जो वो
कार्यकारिणी है उसको बातचीत के लिए नहीं बुलाया, उनकी तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक जो और ये काम छोड़ो हड़ताल कब से शुरू किया आपने? सर आज पहला दिन है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से संजीव राणा और नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट। कांगड़ा इंटरनेशनल स्कूल इज लोकेटेड एट इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन नियर 39 माइल्स शाहपुर। एडमिशन ओपन फॉर 6 फरवरी 2022। स्कूल स्प्रेड इन 3.8 एकड़, प्रोबेबली 38 कनाल एरिया, पॉल्यूशन फ्री कैंपस, सब सेंटर ऑफ HPCA, स्मार्ट क्लासेस, आउटडोर एंड इंडोर एक्टिविटी रूम्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी। प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन 8091651051, 8091651052, 8091651053। ईमेल अस ऑन kangra international school@gmail.com। Our website is www.kangrainternationalschool.com।